आर्थिक सुस्ती का दौर अपने साथ कुछ बड़े दिग्गजों को भी डुबा सकता है। टेलीकॉम जगत में पिछले कुछ दिनों से वोडाफोन के पैकअप होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। चर्चाओं के मुताबिक वोडाफोन कभी भी भारत में अपने कामकाज को बंद कर सकती है। इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वोडाफोन कारोबार में नुकसान की वजह से भारत में अपने संचालन को बंद कर बोरिया बिस्तर समेट सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि वोडाफोन ऐसा किसी भी दिन कर सकती है। पहले ये भी चर्चा थी कि वोडाफोन ने अपने कर्जदारों से भुगतान के तरीकों में बदलाव की गुजारिश की है, लेकिन बुधवार को कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कंपनी ने अपने कर्जदारों से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की। कंपनी का कहना है कि वो अपने कर्ज को तय समय के मुताबिक चुकाती रहेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दिए गए फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया को 3 महीने में 28,309 करोड़ रुपए देने होंगे। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट को देखते हुए कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में 25 अक्टूबर को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंपनी पर महत्वपूर्ण असर दिखा है। कंपनी ने यह भी कहा कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है और कंपनी अपने अगले कदम का मूल्यांकन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कंपनी का शेयर भाव 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया था। फैसले के बाद कंपनी ने इस पर निराशा जाहिर की थी। गुरुवार को कंपनी का शेयर सबसे निचले स्तर के आसपास रहा। शेयर मूल्य गुरुवार को 3.81 रुपए रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। जियो के बाजार में आने के बाद पहले से ही टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित दिख रही है। जियो से मुकाबले की वजह से टेलीकॉम कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर विपरीत असर पड़ा है। अब देखना यह होगा कि वोडाफोन आइडिया अपने कारोबार को समेटती है या उसे बढ़ाने की तरफ कोई नया कदम उठाती है।